नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देश भर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों पर है। गणेश चतुर्थी के लिए बनाई जा रही गणेश जी की प्रतिमाएं देश भर में बिकती हुई नजर आ रही हैं और ये तैयारियां जोरों शोरों से हैं। गणेश चतुर्थी के लिए गणेश जी की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई हैं। गाजियाबाद और साहिबाबाद इलाके में स्थित एक ऐसी जगह पर लगभग 50 सालों से गणेश मूर्तियां बनाई जाती हैं। इन लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह होता है मूर्ति बनाने के लिए और मूर्तियां बनाकर उन्हें तैयार करके बेचने के लिए, लेकिन इस बार मार्केट में ग्राहक कम है, इस वजह से मूर्ति बनाने वाले बेहद परेशान हैं। वहीं अहमदाबाद में गुलबाई चेकरा पूरे गुजरात में जाना माना नाम है। यहाँ पर हर प्रकार की भगवान की मूर्तियां बनाई जाती हैं और बेची जाती हैं। सबसे ज्यादा भगवान गणपति की मूर्तियां बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी यहाँ पर मिल जाती हैं। लोग दूर दराज से आते हैं और यहाँ मूर्तियां खरीदते नजर आते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों अगर कोरोना की मैं बात करूँ तो कोरोना की महामारी ने सभी के हाल बेहाल कर दिए हैं। लोगों की नौकरियां भी कोरोना की परिस्थिति ने छीन ली है, इसलिए लोगों के पास पैसे की भी दिक्कत है। लोग पैसा खर्च करने में हिचकिचा रहे हैं। हर दिन देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोग पैसा खर्च करें तो भी कैसे, वो सोच रहे हैं। लेकिन ऐसे में छोटे मूर्तिकार जो मूर्तियां बनाकर बेचते हैं, उनका परिवार काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, क्योंकि इस समय ही उनकी कमाई का समय होता है। वो मूर्तियां बनाकर बेचते हैं और पूरे साल का खर्चा इसी से निकलता है, लेकिन इस बार खरीदार बेहद कम है तो ऐसे में मुनाफा नहीं हो पा रहा है। गरीब परिवार इस प्रकार से गुजर बसर करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन तमाम बातें ऐसी हैं ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि अगर इसी तरह से कोरोना की वजह से ग्राहक नहीं आएंगे, मूर्तियां नहीं बिकेगी, तो इन छोटे छोटे परिवारों का क्या होगा। तो इसी को लेकर गुजरात से मेरे सहयोगी प्रणव सिंह राजपूत ने तमाम जायजे लिए हैं, मार्केट में वो पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना है खरीदारों का और क्या कुछ कहना है कारीगरों का, चलिए देखते हैं। जी हाँ, मैं प्रणव सिंह राजपूत और आप देख रहे हो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। और अभी फिलहाल जो मूर्तिकार है वहाँ पे आया हो, क्योंकि मूर्तिकार बने हैं बेहाल लॉकडाउन कोरोना की परिस्थितियों में सामना करते हुए। मूर्तिकार लगातार लॉकडाउन, अनलॉक, अनलॉक टू, अनलॉक थ्री, अनलॉक फोर, और अभी मार्केट खुल गई है, फिर भी जो मूर्ति सर्जनकार है, जो मूर्ति को सर्जन करते हैं, जो गणपति मूर्ति है, जो भगवान माँ आद्यशक्ति माँ की मूर्ति है, वो सर्जनकार है अभी बेहाल बने हुए हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है और पैसे नहीं होने के बावजूद लोग मूर्ति लेने के लिए नहीं आते। और ये लोग काफी सारी एक साल दो साल की मेहनत के बाद जो मूर्ति का सर्जन करते हैं, फिर भी वो लोग मूर्ति बेच नहीं पाते हैं। और अभी जो फिलहाल गणपति महोत्सव आ रहा है और गणपति महोत्सव में जो आप देख रहे हो बहुत सारी जो इको फ्रेंडली मूर्ति जो बनाई गई है, मिट्टी की मूर्तियां है वो बनाई गई है, फिर भी लोग जो मूर्तिकार है वो बेहाल है, क्योंकि बेहाल इसके लिए है कि लोग यहाँ पे नहीं आ रहे मूर्ति लेने के लिए। इसके लिए मैं डायरेक्टली उनको ही पूछना चाहूंगा जो मूर्ति सर्जक है, आपका नाम बताएंगे। मेरा नाम श्री भगवान भैमराव भाई परमार और मैं यहाँ जन्म से, ये मेरे जन्म भूमि जगह है। हम लोग यहाँ 2 साल से ये कोरोना के वजह से ये पब्लिक कोई आ नहीं रही है, हम लोग बहुत बेहाल है, हमारा परिस्थिति अभी भी बहुत गंभीर है। हम पब्लिक भी नहीं आ रही, हमारा मूर्तियाँ भी पड़ा है, हमारा धंधा भी नहीं हो रहा है। अभी हम जावे तो कहाँ जाओ, हमको कोई मदद कहीं से भी नहीं मिल रही है हमको। जो सरकार ने जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोरोना नहीं था उसके पहले आप बड़ी मूर्तियां भी बनाते थे और काफी लाखों का मुनाफा होता था, लेकिन 2 साल के बाद आज 2 साल से कोरोना चल रहा है, अनलॉक है, लॉकडाउन था, अभी परिस्थितियां बहुत बदल चुकी है और लोग आने से भी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको किस प्रकार की, पहले कितने में आप लोग मूर्तियां बेचते थे और अभी क्या माहौल है? पहले जो हमारे घर में मैं 10 गाड़ी माल पीओपी की बनाते थे तब हमको कोई परिस्थिति गंभीर नहीं थी। अभी ये समय में हमको मूर्ति एक दो मूर्ति बेचना भी मुसीबत हो रही है, बहुत मुसीबत हो रही है, पब्लिक भी नहीं आ रही है हमको। अभी ये मूर्तियाँ बच जाएगी तो जाएगी, तो कहाँ जाएगी, हमारे को कोई हमारा कोई पहले और, पहले पहले कितने 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 कितना मुनाफा होता था, लाख दो लाख? पहले तो हम 5-5 लाख 10 लाख रुपए का मुनाफा कर सकते थे, अभी 5-10 लाख तो क्या, 2 लाख का भी मुनाफा करना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। तो फ्रेंडली मूर्तियां बेचेंगे आप और जो 4 फीट की मूर्तियां वही बेच पाएंगे, बड़ी मूर्तियां आप नहीं बेचेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे?
जो जो सरकार ने हमको गाइडेंस लाइन बताया है, मगर वो 4 फीट में बना नहीं सकते और बनते भी हो तो टूट भी जाते हैं और उसमें बहुत नुकसान होती है। और 4 फीट तो बनती भी नहीं और बनती है वो टूट भी जाती है और यहाँ भी टूट जाती है। ग्राहक जो हमारे लोग से ग्राहक के वहाँ ले जाते वो ले जाते भी हाथ तोड़ के लाते है, पैर तोड़ के लाते है, सर से अलग हो जाती है वो भी तोड़ के लाते है। वो हमको बहुत मुसीबत हो रही है। पीओपी की होती तो यहाँ से पूरा महाराष्ट्र में ये गुलबा टेक रहा है। कैसा आर्टिकल है कि हम लोग अनबन जरूर है मगर हमको आर्टिकल कोई ने वो पढ़ाया नहीं, फिर भी हम लोग को कुदरती बख्शिश है। और वो हम खुद पीओपी से बनाते थे, उसमें आर्ट हमारा वहाँ इतना मेला लगता था, 5 दिन 8 दिन का मेला लगता था, उसमें हम लोगों का बहुत बड़ा नाम हो गया था, पूरे विश्व में यहाँ नाम हो गया था। फॉरेन तक हमारे यहाँ से पीओपी की मूर्ति जा सकते थे। अभी ये मिट्टी की मूर्ति कमिश्नर साहब का भी यहाँ लेने के लिए आया तो हमने खुद ने मना कर दिया कि ये मूर्ति वहाँ नहीं पहुँच सकती है क्योंकि मिट्टी है, मिट्टी वो मिट्टी हो सकती है, इंसान मर जाने के बाद जिंदा नहीं हो सकता है। एक बार जो हो गया वो जैसे इंसान जैसा चीज है। ये बहुत बेहाल है हमारे अभी, बहुत बेहाल है। जो मूर्ति सर्जक है बेहाल तो हो ही गए, लेकिन जो पीओपी की मूर्तियां बनाते थे उनमें उनको काफी बेनिफिट होता था, लेकिन जो जिस प्रकार से इको फ्रेंडली जो मिट्टी की मूर्तियां जो बन रही है उनमें उनको जो मुनाफा मिलना चाहिए वो मुनाफा नहीं मिल रहा है और काफी दिक्कतों का सामना वो लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मैं प्रणव सिंह राजपूत, न्यूज वन इंडिया, गुजरात। जी आप बताना चाहते थे कि पीओपी में आपका जो मुनाफा होता था वो मिट्टी की जो जो इको फ्रेंडली मूर्तियां है उनमें आपको नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहने का है जो पीओपी की मूर्ति है जो डाई फर्मे में बनती है वो हम अक्खे दिन में जो ये मूर्ति हम 3-4 बना सकते परिवार, वो अक्खे दिन में हम 20-30 मूर्ति बना सकते हैं। वो मूर्ति हमको सस्ती मिलती है, सस्ती पड़ती है और ग्राहक को भी इसको सस्ती मिलने से इसको ग्राहक भी आता है और इसमें हमको नफा भी होता है और पब्लिक के जो ग्राहक है इसको भी नफा मिल। जी हाँ, उनका कहना ये है कि जो इस प्रकार से जो पीओपी की मूर्तियां हैं उनका फर्मा होता है, वो फर्मा से वो लोग काफी मूर्तियां बना सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से इको फ्रेंडली जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वो लोग मेहनत करने के बाद भी 3 या 4 मूर्तियां बना सकते हैं, वो जो इको फ्रेंडली मूर्तियां होती है और जो पीओपी की मूर्तियां है जो बनाते हैं और सर्जन करते हैं क्योंकि वो फर्मा होता है, तो फर्मा के हिसाब से वो लोग दिन में काफी सारी मूर्तियां बना सकते हैं, इसके लिए वो भी नुकसान वो लोग को भुगतना पड़ रहा है। मैं प्रणव सिंह राजपूत, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, गुजरात। जी हाँ, और भी जो मूर्तिकार है, जो मूर्ति सर्जनकार है वो मेरे साथ जुड़े हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम बताएंगे। हमारा नाम देवजी भाई भाटी है। देवजी भाई जी, मैं पूछना चाहूंगा जिस प्रकार से कोरोना के बाद जो जो मूर्तियां है जो आप पहले जो बेचते थे मूर्तियां बनाकर और काफी मुनाफा होता था, अभी जो है कोरोना के बाद जो आपको बेहाल हो गए हैं आप लोग मूर्तिकार, तो क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जो महामारी कोरोना था वो कोरोना 2 साल तो हमको बहुत मुसीबत से झेलनी पड़ी और ये दो सीजन तो हमको ऐसा चला तो रोजी रोटी भी नहीं मिली हमको, एक तक खाने का भी नहीं मिला था, ऐसा था। ये सीजन ऐसी थी तो हमने जैसा कम माल बनाया कि भाई जो बिके ना बिके, 2 साल तो टूट गया था माल, बिगड़ गया था, तो ये साल कम बनाया। तो ये साल कम बनाने के बाद भी ये अहमदाबाद शहर में कम ना कम बड़ी मूर्तियां 30-40 हजार बिकती है और छोटी मूर्तियां 2 लाख से 5 लाख तक बिकती है। तो अभी जो आज बीज है 8 तारीख है, 10 तारीख को गणेश चतुर है, तो हमारे बिक्री में हम इधर से 4 दिन से लगा हुआ है माल लगा के, तो आखिरी हमने खाली 6 मूर्ति बेची है और हमारे ये पेंटर मट्टी की मूर्ति बनती है और मट्टी की मूर्ति बनाने के लिए हमारे बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने के बाद हमें एक मूर्ति बनाने के लिए 2 कारीगर कम ना कम 6 दिन लगता है। 6 दिन लगने के बाद इसको सुखाना पड़ता है, कलर करना पड़ता है, जो हम मेहनत लगाते हैं बाल बच्चे वो भी साथ में मेहनत लगाते हैं, तो हमारे एक मूर्ति कम ना कम मट्टी की मूर्ति 4,000 से 5,000 की पड़ जाती है घर में। तो ये मूर्ति जो 6-7-8 हजार में मिले बिके तो हमको इसमें नफा होता है, तो 2-3 हजार रुपये नफा मिले, तो हमने एक साल में कम ना कम 30-35 मूर्ति बनाई है अखब परिवार मिलके।
एक परिवार के मिलकर 30-35 मूर्ति बनाई है, इसमें 6-7 मूर्ति बिकी है और 27-28 मूर्ति अभी तक पड़ी है। बाजार में कोई रौनक नहीं है, बाजार में कोई ग्राहकी भी नहीं है, बाजार सुनसान है, जैसा कर्फ्यू लगा है ऐसा है। जो उनका 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 एक रुद्र है कि एक वेदना है, जो मूर्तिकार है, जो सर्जक है, उनकी वेदनाएं हैं कि जिस प्रकार से उन लोग की मूर्तियां जो बनाते हैं, जिस प्रकार से मेहनत से मूर्तियां बनाते हैं, लेकिन वो मूर्तियां बिकेगी नहीं तो खाएंगे कैसे, क्योंकि पूरा जो साल है वो लोग मूर्तियां बना के पास। ऐसे ही एक जो है इंसान जो मूर्ति लेने के लिए आए हैं, आपका नाम बताएंगे। अच्छा, आप इवेंट मैनेजमेंट हो, अभी इको फ्रेंडली जो गणपति जी मूर्तियां यहाँ पे परचेज करने के लिए आए हैं, क्या माहौल है, क्या उत्साह का माहौल है, आप बताएंगे। उत्साह का माहौल तो गणपति का त्यौहार उत्साह तो दिन से रहती है, हर साल रहती है, लेकिन 2 साल से तो ये हम लोग मना ही नहीं पाए क्योंकि कोरोना से, और कोरोना की जो झंझाट में हम लोग उलट पुलट हो रहे थे। अब क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से इस वक्त हम लोग उत्साह मनाने जा रहे हैं? सही में तो इस बार बहुत खुशी का माहौल है, आज न्यूज में भी आया सरकार ने मेरे एग्जैक्टली पीछे जो भगवान गणपति की मूर्ति लेके जा रहे हैं, जो परचेज की है और बड़ी मूर्ति है, लोग गणपति का जय जयकार करते हुए मूर्ति को परचेज करके जो लेके आए हैं वो लोग गणपति को लेके जा रहे हैं। लेकिन 2 दिन के बाद भगवान गणपति का विराजमान होगा, जो पिंडाल होंगे उनके अंदर भगवान विराजमान होंगे, और हर्षोल्लास के साथ 10 दिन के गणपति को यहाँ पे विराजमान करते हुए मेन कैमरामैन के गणपति की जो मूर्ति है वो लेके जा रहे हैं, और काफी उत्साह है। भगवान के जयनाथ किया जा रहा है, और कल का मौर्या का जयनाथ हो रहा है। मैं प्रणव सिराज हूँ, यूजुअल इंडिया, गुजरात। जी हाँ, मेरे पास जो मूर्ति लेने के लिए आए हैं वो भी है मेरे पास। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका नाम बताएंगे। मित्तल। क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से गुजरात की जो गाइडलाइन है कि भाई सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, गणेश महोत्सव मनाएंगे, लेकिन काफी सारी जो गाइडलाइन है सरकार की, वो गाइडलाइन के हिसाब से आप लोग महोत्सव को एंजॉय कर सकेंगे, लेकिन आप अभी मूर्ति परचेज करने के लिए आए हैं, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? मतलब जो चाहिए वो मिलता नहीं है, एडजस्ट करके मूर्ति लेनी पड़ती है, जो पहले मिलता था वो अभी इस बार कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से फिनिशिंग है, जो पीओपी की मूर्तियां बनती थी वो कुछ डिफरेंट थी, और जो अभी फिनिशिंग में बहुत फर्क है, जो पीओपी की थी वो और अभी इको फ्रेंडली, लेकिन इको फ्रेंडली में भी काफी अच्छा कलेक्शन है और अच्छी है। लेकिन इको फ्रेंडली में ऐसा है कि आप यहाँ से लेके गए, क्योंकि नहीं मिलता, ऑप्शन नहीं मिलता, और बहुत संभालना पड़ता है, बहुत संभालना पड़ता है, क्योंकि ले जाते वक्त कहीं डैमेज हो गया, डैमेज हो जाता है, तो वो हमको ये रहता है मन में हो गया। हमारे हिंदू धर्म में मतलब थोड़ा सा भी डैमेज होते हैं तो वो अच्छा नहीं मानते उसको। उनका कहना है कि जिस प्रकार से हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि जिस प्रकार से जो मूर्ति यहाँ से परचेज करते हैं, लेकिन मूर्ति ले जाते वक्त जो डैमेज होता है तो वो अपशुकुन गिना जाता है, तो वो अच्छा सुकुन नहीं होता है, वो उनका कहना है, और काफी दिक्कतों का सामना जो लेने आ रहे हैं और जो मूर्तिकार है वो कर रहे हैं। मैं प्रणोशी राजपूत, न्यूज ऑल इंडिया, गुजरात। जी हाँ, मैं आपको ऐसे इलाके में लेके आया हूँ जहाँ पे मूर्तियों सर्जन करते हैं, जो गणपति की मूर्तियाँ बनती है वहाँ पे, जो माँ भगवती की मूर्तियाँ बनती है, और मूर्ति सर्जक यहाँ पे जो पूरा इलाका है वो सभी लोग यहाँ पे मूर्तियों का सर्जन करते हैं, मूर्ति कलाकार है। और मैं वही इलाका में आया हूँ जो गुजरात के कोने कोने से, जब भी कोई भी या नवरात्रा हो या गणपति महोत्सव हो, जो भी महोत्सव होता है, जो मूर्तियाँ होती है वो यहीं इलाके में मिलती है। ये गुलबाई टेकरा इलाका है, और यहाँ के लोग जो है वो मूर्तियों का सर्जन करते हैं, या माँ भगवती की मूर्ति हो या गणपति की मूर्ति हो, जितनी भी सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे सर्जन की जाती है। और काफ़ी मैं आपको मेरे कैमरे में दिखाना चाहूँगा, जिस प्रकार से जो यहाँ पे इको फ्रेंडली जो मूर्तियाँ है, जो गणपति की आपको दिखाई दे रही है, और काफ़ी संख्या में यहाँ पे मूर्तियाँ बेचने के लिए, यहाँ पे घर घर पे मूर्तियाँ बनाते हैं और मूर्तियाँ बेचते हैं। मैं आपको वही दृश्य दिखाना चाहूँगा, जिस प्रकार से मेरे पास मेरा कैमरा मैन है, और मैं दिखाना चाहूँगा जो घर घर में लोग, जो हस्बैंड वाइफ है, वो भी मूर्तियों का सर्जन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और काफी यहाँ पे गणपति की बनाई हुई दिखाई दे रही है। और अभी 2 दिन बाकी है भगवान गणपति के महोत्सव का, लोग यहाँ पे गणपति की मूर्तियाँ गुजरात के कोने कोने से लोग वहाँ पे लेने के लिए आते हैं,
लोग काफी संख्या में यहाँ पे उमड़ भेर मूर्तियाँ खरीद करने के लिए आते हैं और लोग उत्साह के साथ यहाँ से मूर्तियाँ लेके जाते हैं। दूसरे लोग भी देखना चाहेंगे इस प्रकार से मूर्तियों का सर्जन किया हुआ है और काफी सारी संख्या में मूर्तियाँ यहाँ पे ले रही है और लोग यहाँ पे उत्साह और उमंग के साथ यहाँ पे मूर्तियाँ खरीदी करने के लिए आते हैं। मैं प्रणव सिंह राजपूत, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। गणेश उत्सव की तैयारियां देश भर में जोरों शोरों से चल रही हैं। हालांकि अगर महाराष्ट्र की बात की जाए, देखिए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गणेश उत्सव मनाया जाता है, यहां पर तमाम मूर्तियां खरीदी जाती हैं। इतना ही नहीं, आम लोग ही नहीं जो बॉलीवुड स्टार हैं वो भी गणपति बप्पा की मूर्तियाँ अपने घर स्थापना करते हैं, उसके बाद उसका विसर्जन भी किया जाता है। लेकिन कोरोना की वजह से तमाम गाइडलाइंस जो हैं वो लगातार हमें देखने के लिए मिल रही हैं। पिछले साल भी हमें देखने के लिए मिली थी और इस साल भी थोड़ी छूट दे दी गई है। मूर्ति विसर्जन हो सकता है लेकिन सिर्फ 10 ही लोग इसमें शामिल होंगे और जो वहां के स्वयंसेवक होंगे, जो बीएमसी के स्वयंसेवक है, वो ही मूर्ति विसर्जन कर सकते हैं। ऐसी तमाम जो बंदिशें हैं वो दिखाई दे रही हैं, लेकिन उत्साह जो है वो कम नहीं हुआ है। उत्साह लगातार लोगों में उतना ही है जितना हर साल हुआ करता है। रंग बिरंगी और ये बेहद ही शानदार और खूबसूरत मनमोहक तस्वीरें और मूर्तियां जो है वो गणपति की बप्पा की दिखाई दे रही है। देखिये देश भर में जो गणेश चतुर्थी है वो कल से शुरू होने जा रहा है, लेकिन बाजार कई दिनों पहले से ही सज चुके हैं। हालांकि अगर कोरोना की मैं बात करूं तो कोरोना की वजह से जो मूर्तिकार हैं वो मूर्तियां बना रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पहले मूर्तियां बिका करती थी वैसे खरीदार मूर्तियों को नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, बाजारों में मूर्तियां भी महंगी हो गई हैं। ऐसे में लोगों के पास बहुत ही कम ऑप्शन है और जो मिट्टी की मूर्तियां हैं, देखिए इको फ्रेंडली जो मूर्तियां हैं वो भी बेहद कम बिक रही हैं क्योंकि उन्हें बहुत संभाल कर ले जाना होता है, लेकिन लोग जो हैं दूर दराज से लेने के लिए मूर्तियां आते हैं, लेकिन अगर जरा भी वो खंडित हो जाती है तो अगर सनातन धर्म की मैं बात करूं तो उसमें बड़ा अपशगुन माना जाता है। ऐसे में लोग जो दूसरी मूर्तियां हैं वो लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये तमाम तस्वीरें जो है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, गुजरात की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, गाजियाबाद से भी लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाजार सज चुके हैं, कारीगर जो हैं लेकिन उनके चेहरे खिले हुए नहीं हैं क्योंकि ये जो मौका होता है गणेश चतुर्थी का, कारीगर सोचते हैं कि पूरे साल की कमाई वो इसी में करते हैं क्योंकि मूर्तियां बनाने में करीब 2 से 3 महीने का समय लगता है क्योंकि पहले मिट्टी से मूर्तियां बनानी होती हैं, फिर उसे सुखाने के लिए भी समय चाहिए होता है, फिर उनमें रंग भरने होते हैं, एक फाइनल टच देना होता है, तो ऐसे में उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत लागत लगती है, लेकिन वो लागत जो है उस तरीके का मुनाफा नहीं दे पा रही है। ऐसे में जो कारीगर हैं, जो दुकानदार हैं, उनके चेहरे खिले हुए नहीं हैं। हालांकि उनका यह कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल लोग फिर भी आ रहे हैं, बाजारों में हल्की रौनक भी है और जो एक टाइम है कोरोना कर्फ्यू का वो भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है, तो ऐसे में अब लोग बाजार में पहुंच रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए 2 साल पहले की तो उतनी मूर्तियां नहीं बिक रही हैं, लेकिन उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, बाजारों में तमाम तरीके की और रौनक भी देखने के लिए मिल रही है। बॉलीवुड स्लैब्स तक जो है वो बप्पा की मूर्तियां खरीदकर अपने घरों में स्थापित कर रहे हैं। आज आखिरी दिन है और आज बप्पा की मूर्तियां खरीदी जा रही हैं, फिर कल स्थापना होगी, उसके बाद फिर विसर्जन का ये पूरा कार्यक्रम होता है। 11 दिन का ये पूरा उत्सव होता है। कुछ लोग 11 दिन तक बप्पा को अपने घर पर रखते हैं और बहुत सेवा करते हैं इनकी। कुछ लोग 3 दिन 4 दिन जैसे जिसकी श्रद्धा होती है वो उतने दिन के लिए बप्पा को अपने घर में विराजमान करते हैं, उसके बाद धूमधाम के साथ ढोल नगाड़ों के साथ और यहाँ पर गुलाल उड़ाते हुए उनका विसर्जन किया जाता है। देखिए 2 साल पहले तो बहुत ही मनमोहक तस्वीरें, बहुत भीड़ भाड़ हुआ करती थी, नदियों में इनका विसर्जन होता था और मुंबई की मैं बात करूँ तो वहाँ तो समुद्र में विसर्जन होता है, लेकिन इस बार विसर्जन जो है उसमें भीड़ नहीं हो सकती। कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार बीएमसी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो स्वयंसेवक हैं वो ही विसर्जन करेंगे, जो परिवार है उनके 10 लोग जाएंगे और जो मूर्तियाँ हैं वो स्वयंसेवक के हाथ में देंगे, फिर वो उसका विसर्जन करेंगे। कई बार हमने देखा है कि घटनाएं भी बहुत हो जाती हैं, हादसे हो जाते हैं, तो इन सब को रोकने के लिए कोशिश की जा रही है कि भीड़भाड़ थोड़ी कम ही की जाए। तो देश भर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों पर हैं और साफ तौर पर देखी जा सकती है, सिर्फ आज ही नहीं, आज तो आखिरी दिन है मूर्तियां खरीदने का और स्थापना करने का।
गुजरात से मेरे सहयोगी प्रणव सिंह राजपूत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रणव, तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से बाजारों को दिखाया, लोगों से बातचीत की। देखिए, उत्साह बहुत ज्यादा है, मन में उमंग बहुत ज्यादा है गणेश उत्सव की, लेकिन जो कारीगर हैं, जो दुकानदार हैं, उनके चेहरे मायूस हैं। जी काजोल, जिस प्रकार से मैंने कल ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किया, वहां पे जाके दुकानदारों से मिला, जो कारीगर है वहां से उनसे बातचीत की, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं बेहाल है, क्योंकि उन लोग को जो अभी कोरोना के बाद जो मूर्तियां बिकनी चाहिए वो बिक नहीं रही है, और लोगों में जो उत्साह के साथ, जो पहले कोरोना के पहले लोगों उत्साह के साथ गणेश महोत्सव मनाया जाता था, वो उत्साह अभी दिखने को नहीं मिल रहा है, और लोग खरीद करने के लिए, जो मूर्तियां खरीद करने के लिए आते थे, वो नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल प्रणव, लेकिन जो मूर्तियां हैं, देखिए बहुत सारी मूर्तियां इको फ्रेंडली होती है, वो थोड़ी सी महंगी भी होती है, क्योंकि उनका रख रखाव बहुत महंगा कारीगरों को भी पड़ता है, और जो वहां पर खरीदार आते हैं उन्हें भी बहुत संभाल के वो मूर्तियां ले जानी होती हैं, तो उसका मार्केटिंग कितनी अच्छी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। देखो, इको फ्रेंडली मूर्तियां है वो लोग काफी मेहनत के बाद बनाई जाती है, और मिट्टी की मूर्तियां होती है, और कहीं ना कहीं ले जाते वक्त और बनाते वक्त डैमेज काफी सारी होती है, क्योंकि मिट्टी की होती है, तो जो खरीदार आते हैं और जो दाम होते हैं वो काफी दाम होते हैं, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति है, तो उनका जो दाम है लगातार 15,000-20,000 की मूर्ति होती है, लेकिन जब खरीदार मूर्ति खरीदने के लिए आते हैं, और इस महंगाई के चलते हुए लोग खरीदार जो होते हैं वो मूर्तियों को बार्गेनिंग करते हैं, बार्गेनिंग करते करते मूर्तिकार को जितने में मूर्ति बनाने में पैसे खर्च होते हैं उनसे कम दामों में उसको बेचनी पड़ती है। बिल्कुल प्रणव, जैसा कि आपने बातचीत की है यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जाकर, तो जो कारीगर हैं, जो मूर्तिकार हैं, उन्हें इस प्रोसेस को पूरा करने में कितना समय लगता है, क्योंकि पहले मूर्तियां बनानी है, फिर वो सुखानी है, फिर उनमें रंग भरने हैं, फाइनल टच देना है, उन्हें सजाना है बप्पा को बहुत अच्छे तरीके से, ताकि वो मूर्ति और ज्यादा मनमोहक आकर्षित लगे, कितना समय लगता है। और दूसरी बात ये भी है प्रणव, ये भी मैं पूछना चाहती हूँ कि सबसे कम प्राइस जो है बाजारों में वो कितना है, और सबसे जो हाई प्राइस है वो कितना है। काजल, मैं बताना चाहूंगा कि ये लोग जो पूरा परिवार ये मूर्ति बनाने के लिए एक साल से जुड़े रहते हैं, और पूरा परिवार मूर्ति बनाते बनाते एक साल में जो मूर्तियां रेडी करते हैं वो गणेश चतुर्थी के अवसर पर वो बेचते हैं। और जो मूर्तियों की प्राइस की बात की जाए तो जो इको फ्रेंडली मूर्ति है, जो मिट्टी से बनाते हैं, उनकी प्राइस काफी दाम उनके दाम बहुत होते हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत और दिक्कतों का सामना करते हुए बनाते हैं वो लोग। और ये जो मूर्तिकार है उनमें जो उनके परिवार की जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, और जो पूरा परिवार मूर्ति बनाते बनाते पहले तो जो मिट्टी की जो आकार देना पड़ता है, फिर उनके अंदर रंग रोगात किया जाता है, फिर उनको जो डायमंड्स वगैरह है उनसे सजावट की जाती है, तो उनमें काफी टाइम लगता है। बिल्कुल प्रणव, देखिए अगर महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र के बाद गुजरात ही ऐसा राज्य है जहां पर गणेश उत्सव बहुत ज्यादा धूमधाम के साथ मनाया जाता है। देखिए महाराष्ट्र में तो बीएमसी ने तमाम गाइडलाइंस जारी की हुई है, और महाराष्ट्र सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी की है। गुजरात की मैं बात करूं तो गुजरात की गाइडलाइंस कैसी है, क्या मूर्ति विसर्जन में तमाम लोग शामिल हो सकते हैं, और अगर मूर्ति आप लेकर आ रहे हैं तो कितने लोग लेकर लेने जा सकते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ ना हो तो ऐसी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की हुई है सरकार की तरफ से। जी हाँ, कल जो कैबिनेट की, जो गुजरात सरकार की कल कैबिनेट की जो मीटिंग थी उनमें डिसाइड किया गया है कि जो गणेश महोत्सव आ रहा है, गणेश महोत्सव में मिनिमम 400 लोग जुड़ सकेंगे, और जो कल अच्छी बात तो यही है कि जो लोग बेहाल थे, जो डीजे पार्टी वाले थे और जो बैंड वाले थे, उन लोग को भी परमिशन दी गई है कि वो लोग गणेश महोत्सव में डीजे बजा सकेंगे। बिल्कुल, यानी प्रणव ये कहा जा सकता है कि मूर्तिकारों के साथ साथ आम जनता का भी और जो बैंड बाजे वाले हैं उनका भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि कोरोना काल में शादियों का सीजन निकल गया, उनकी कमाई उतनी नहीं हो पाई है, मुनाफा नहीं हो पाया है, और 2 सालों से वो इसी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। जी काजोल, जिस प्रकार से कल सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से वो लोग जो बाजा वाले थे, डीजे वाले थे, और 400 लोगों को परमिशन दी गई है, और धूमधाम से आप गणेश महोत्सव को मनाया जा सकते हो, और पूरी परमिशन के साथ गुजरात सरकार ने सभी जनता को एक अच्छा हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ ये महोत्सव मनाने की परमिशन दी गई है।
बिल्कुल प्रणाम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देश भर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों पर हैं और तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो पर। मेरे सहयोगी प्रणव पहुंचे थे गुजरात से, उन्होंने तमाम दुकानों पर जाकर जायजा लिया है कि किस तरह की तैयारियां हैं, बिक्री कैसी हो रही है, लोगों में किस तरह का उत्साह है। देखिए उत्साह बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है और दो सालों से लोग भी उतने अच्छी तरीके से कमाई नहीं कर पा रहे हैं, कई लोगों की नौकरियां भी चली गई हैं, ऐसे में समस्या बहुत ज्यादा है। लेकिन त्योहार का जो एक उमंग है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो गणेश चतुर्थी की धूम चारों तरफ नजर आ रही है और इसकी वानगी आपने तस्वीरों में भी देखी। तो ऐसे में लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया भी ये अपील करता है कि गणपति बप्पा आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।